उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग इलाके में फटा। इसकी वजह से मूसलाधार बारिश हुई। आसपास की कई दुकानें और मकान ध्वस्त हो गए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां स्थित आईटीआई की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस प्राकृतिक आपदा का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से शूट कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देवप्रयाग के एसएचओ ने बताया कि बादल फटने की घटना करीब 5 बजे रिपोर्ट हुई, जिसके कारण इलाके में अचानक से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बहुत सी दुकानें और दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। देवप्रयाग एसएचओ ने बताया कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें और दूसरे सार्वजनिक स्थान बंद थे, इसलिए किसी की जान जाने की खबर नहीं आई है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन बल के सदस्य घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बादल फटने की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री ने नुकसान का जायजा लिया और जरूरी मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इससे पहले 3 मई को राज्य के कई इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मई को उत्तराखंड के टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटा था। इसके बाद इन इलाकों में राहत पहुंचाने का कार्य किया गया था। साथ ही प्रभावित लोगों को सहायता राशि देने का निर्देश भी प्रशासन की तरफ से दिया गया था। वहीं राज्य में इस साल की सबसे बड़ी आपदा फरवरी में आई थी। चमोली के रैणी इलाके में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास 7 फरवरी की सुबह ग्लेशियर टूटा। इसके बाद अलकनंदा नदी ओवरफ्लो हो गई। बहाव में पानी के साथ साथ भारी मात्रा में चट्टानों का मलबा भी था। तेज रफ्तार सैलाब ने तबाही मचा दी थी और इस आपदा में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में लापता हुए लोगों की संख्या और भी ज्यादा थी। इसके बाद 3-4 अप्रैल को राज्य के करीब 62 हेक्टेयर जंगल में आग लग गई थी। 260 से ज्यादा जगहों पर आग लगी थी। इस आग में कम से कम 4 लोगों की और जंगल के तमाम जानवरों की जलकर मौत हो गई। 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। इसी के बाद 23 अप्रैल की शाम चमोली जिले का जो इलाका भारत चीन बॉर्डर से लगा है, वहां ग्लेशियर टूटने की वजह से हिमस्खलन हो गया। करीब 400 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। चमोली के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर एनके जोशी ने बताया था कि उस आपदा में कम से कम 23 लोग मारे गए थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी वक्त आए तो वैक्सीन की डोज भी जरूर लें। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।